What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stella Lord family. देखिए आप लोगों ने रिसेंटली अभी न्यूज में लिंगायत कम्युनिटी के बारे में काफी सुना होगा। लिंगायत कम्युनिटी कर्नाटक के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल रीजन से काफी न्यूज में थी, तो उसी से रिलेटेड आज इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। यह है बसवा जयंती के बारे में। 7 मई को यहाँ पर हर साल बसवा जयंती सेलिब्रेट की जाती है। ये बसवाना जो एक हिंदू कन्नड़ पोएट थे 12वीं सेंचुरी में, इनके नाम पर यहाँ पर ये सेलिब्रेट की जाती है। ट्रेडिशनली अगर लिंगायत कम्युनिटी की आप लोग बात करें, ये शिवजी के फॉलोवर थे, यानी कि शिवशंकर भगवान के फॉलोवर थे अगर सदर्न इंडिया की हम लोग बात करें तो। इसी के साथ में कन्नड़ खासकर कर्नाटक की बात की जाए तो इसे हॉलीडे भी यहाँ पर एज ए सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। बासवाना या फिर बासवा आप लोग बोलिए, 12वीं सेंचुरी में एक सेंट फिलोसफर थे जिनके द्वारा कहीं ना कहीं फोकस वेदाज के ऊपर, अगर आप लोग देखेंगे जैसे हमारी कंट्री में वेदाज हैं तो उसी के ऊपर काफी फोकस दिया गया, और इसी के चलते इन्होंने कभी भी कास्ट के ऊपर कोई फोकस नहीं दिया, यानी कि हर एक इंसान एक समान है। इनका जो फोकस रहा वो एक तरीके से मैनुअल लेबर, इनके बीच में कैसे इक्वलिटी लाई जा सकती है, वो तमाम मुद्दे यानी कि कास्ट से ऊपर उठकर इनके द्वारा काम किया गया, और इसी के नाम पर यहाँ पर ये जो सेक्शन है लिंगायत सेक्शन इनके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया, और इसी के बेस पर यहाँ पर ये इंसुलेटिव बासवा जयंती यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। तो इसलिए अब की बार यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग हैरान मत होएगा, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में थे यहाँ पर कर्नाटक के अंदर लिंगायत कम्युनिटी, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के सामने है यहाँ पर एक क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताऊंगा, मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। देखिए मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ तो मॉर्निंग में उठने के बाद मैं काफी पानी पीता हूँ, उसके बाद फिर पूरे दिन में काफी पानी पीता रहता हूँ। पर लेकिन जब आप लोग देखते हैं जो लोग रोजा रखे हुए हैं, आप लोग उनकी हिम्मत देखिए, मतलब अभी गर्मी के महीने में, वो भी मई के महीने में, और बिना कुछ खाए पिए रहना, बिना कुछ खाए काम चल जाता है एक बार को, पर बिना कुछ पिए और वो भी पानी, यार ये मुझे बड़ा टफ लगता है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये मतलब अपने आप को कंट्रोल में करने वाला एक ऐसा एक फेस्टिवल आप लोग बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, पर लेकिन ये एक तरीके से इंसान को ऐसा निहार सकता है अगर ये सारी सिचुएशन कंट्रोल कर इंसान ऐसे टाइम में रह लेता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उससे ऊपर से इलेक्शन चल रहे हैं और ऊपर से एग्जाम पास में आ रहे हैं, तो समझ रहे हैं कितनी हिम्मत की बात है। तो थम्स अप सब सभी फैमिली मेंबर को जो भी यहाँ पर कनेक्टेड है खासकर, और जो भी रोजे रख रहे हैं। तो देखिए एक तरीके से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि हाँ टफ कुछ नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। तो सोचिए हर एक चीज की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगी अगर आप लोग किसी भी चीज पर फोकस देकर आगे बढ़ेंगे। तो आइए क्विज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है इंडिया के बारे में, तो इंडिया की 17th रैंक यहाँ पर देखने को मिली 100 कंट्री में से। तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग किसके द्वारा रिलीज की गई ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और कई सारे मेंबर तो मॉर्निंग में क्वेश्चन वाली वीडियो देखते हुए भी यहाँ पर इंजॉय करते हैं, खासकर क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है खाने पीने के लिए, तो इसलिए भी यहाँ पर कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर काफी हेल्प मिल रही है, आसानी से उठा जा रहा है। तो देखिए यही होता है, सब मिलजुल कर करिए, इंजॉय कीजिए इस तरीके से सिचुएशन को, यानी कि अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट किया जाता है ना अपना पर्सनल चीजों से रिलेटेड, तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल सब मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है एशियन टी अलायंस के बारे में। 5 टी ग्रोइंग कंट्री के द्वारा यहाँ पर खासकर ये अलायंस स्टार्ट की गई, तो ये कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अभी इसका आंसर बताऊंगा, पर लेकिन एक आंसर आप लोगों को बताना है जिसका आंसर मैं कल बताऊंगा। ये 5 कंट्री कौन कौन सी है, इंडिया होगा ऑब्वियसली, चाइना भी होगा यहाँ पर। अब 3 कंट्री आप लोगों को बतानी है, 2 कंट्री मैंने बता दी, 3 कंट्री और कौन सी है ये आप लोगों को बतानी है। आगे बात की जा रही है यहाँ पर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU, ये रिलीज की गई यहाँ पर 2019 में, इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयरनेस, यानी कि कितना यहाँ पर कैंसर को लेकर प्रिपेयर है, तो हमारी रैंकिंग 28 कंट्री में से कितनी देखने को मिली ये आप लोगों को बताना है, यानी कि कैंसर के लिए हम लोग कितना प्रिपेयर है ये ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री की एक रिटेल कंपनी है जिसके द्वारा 1 लाख करोड़ यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट किया गया एनुअली, फर्स्ट रिटेल कंपनी ये बन गई है, तो नाम बताइए उसका, इंपॉर्टेंट नाम इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट एक कंट्री और उसके लीडर का नाम आप लोगों को बताना है जिसने अभी शॉर्ट रेंज ये प्रोजेक्टेड इनटू जो यहाँ जापान सीमा है, यहाँ पर एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया खासकर, और ये कंट्री जो है ये काफी खतरनाक कंट्री मानी जाती है अगर आप लोग इसको वैसे देखेंगे तो, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये अभी काफी न्यूज में भी है अलग अलग रीजन की वजह से, और USA के साथ इसकी बनती नहीं है, तो वो कंट्री कौन सी है, ईरान नहीं है इतना बता देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है इंडियन नेवी के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च की गई एक सबमरीन, यानी कि पनडुब्बी जिसका नाम है INS विला, ये यहाँ पर जो लॉन्च की गई है ये मेजोंग डॉक शिपयार्ड, ये यहाँ पर शिप बिल्डिंग जो लिमिटेड है MDL, यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर ये बनाई गई। आप लोगों को ये बताना है कि ये कहाँ पर लॉन्च की गई, ठीक है।
बात की जाए हमारी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि जो फॉरेन रिजर्व हमारी कंट्री का 4.3 था यहाँ पर, ये आज की डेट में कितना हो चुका है, जो कि काफी अच्छा रहता है जितना अच्छा ये बढ़ता है। अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री के दो प्लेयर, एक का नाम है सौरभ घोषाल और दूसरा है यहाँ पर ज्योत्सना चिनप्पा, इनके द्वारा एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप जीती गई टाइटल, कहाँ पर ये हो रहा था ये आप लोगों को बताना है। अभी आंसर बताऊंगा मैच की जगह इनको, और उसके बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है स्टार्टअप जो रैंकिंग यहाँ पर दी गई, ये है स्टार्टअप ब्लिंक, इसके द्वारा यहाँ पर ये रैंकिंग तैयार की गई। आगे बात की जा रही है यहाँ पर जो एशियन टी अलायंस देखने को मिली, ये चाइना का गाइजाओ, ये रीजन है यहाँ पर जहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो दो कंट्री मैंने बता दी, एक है इंडिया और दूसरी हो गई चाइना, बची हुई तीन कंट्री कौन सी है, पांच कंट्री के द्वारा मिलकर ये अलायंस बनाया गया है। अब अगर बात की जाए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज की गई है इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयरनेस, यानी कि कैंसर की बीमारी को लेकर हमारी कंट्री कितनी तैयार है, अगर कैंसर आता है तो उसमें हम लोग 28 में से 19वें नंबर पर हैं, जो कि ज्यादा अच्छी आप लोग नहीं बोल सकते। रिलायंस रिटेल के द्वारा यहाँ पर अचीव किया गया 1 लाख करोड़ रेवेन्यू, जो कि काफी बड़ी बात है। इसके साथ में नॉर्थ कोरिया और इसके लीडर है किम जोंग उन, ये यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं सी ऑफ जापान के अंदर, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आगे चलकर। कहीं ना कहीं जो ऐसी हरकतें की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप को ये बताने की हरकत की जा रही है कि भैया फिर से आप लोग आ जाओ बात करने के लिए, वरना हम फिर से अपनी मिसाइल छोड़ना स्टार्ट कर देंगे और लार्ज स्केल पर। चलिए जो भी है, देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप कितना सुनते हैं इनकी। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडियन नेवी के बारे में, तो इंडियन नेवी के द्वारा जो INS विला अभी यहाँ पर स्टार्ट की गई, ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्टार्ट की गई, MDL जो कि एक स्टेट ओन कंपनी है इसके द्वारा। अगर बात करें फॉरेन रिजर्व हमारा फॉरेक्स जो है यहाँ पर, ये देखने को मिला 418 बिलियन USD, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है, जो कि 4.3 हुआ करता था। जितना ज्यादा अच्छा है उतना ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फायदेमंद है, और एक तरीके से कंट्री की इकोनॉमी की इतनी अच्छी है उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं कि ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अगर बात की जाए यहाँ पर ये स्क्वैश चैंपियनशिप के बारे में, तो ये कोलालंपुर मलेशिया में आप लोगों को देखने को मिला, सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा के द्वारा जीता गया, हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी दोनों टॉप पर ही मेंस और वुमेन्स की कैटेगरी में। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर, बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये है यहाँ पर जगजीत पवाड़िया के बारे में। इनको री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के लिए, और हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी है इनको अनदर, यानी कि दूसरी टर्म के लिए भी यहाँ पर इनको अब यहाँ पर ये इलेक्ट किया गया है, जो कि काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। जो वोट इनके फेवर में आई, ये 44 के करीब यहाँ पर वोट इनके फेवर में देखने को मिली। अगर बात की जाए पवाड़िया के बारे में, तो यहाँ पर 2015 से यहाँ पर मेंबर है, 2020 में एक्सपायर होने वाला है, तो अनदर 5 ईयर के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो INCB है कंसिस्ट करता है 13 मेंबर, स्टेब्लिश किया गया था 1968 में। INCB ये एक इंडिपेंडेंट और क्वैसी जुडिशियल मॉनिटरिंग बॉडी है, यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन देखती है, यूनाइटेड नेशन का ड्रग्स कंट्रोल कन्वेंशन है, कितना इंप्लीमेंट उसको किया जा रहा है, यानी कि जो भी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं दवाइयां को लेकर, खासकर क्रॉस बॉर्डर जो उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती है, दवाइयां इधर से उधर बेची जाती है और खासकर जहरीली दवाइयां जो फैलाई जाती है सोसाइटी में, उसके ऊपर ये निगरानी रखता है। तो ये हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी यहाँ पर जो टॉप पोजिशन पर है, तो इसलिए इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। आप लोगों को बताना चाहिए 1971 से पहले जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान का पोर्शन था, ये वाला पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे और इस वाले पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। इसके बाद में 1971 की जो वार हुई, पाकिस्तान से हटकर ये अलग कंट्री बन गया बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान बुलाना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पर मुजीबुर रहमान जी के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया था, जिनको बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके ऊपर एक मूवी बनाने की बात की जा रही है, और ये एमिनेंट पर्सनैलिटी इनके ऊपर जो मूवी बना रही है, ये है श्याम बेनागल, हमारी कंट्री के फिल्म मेकर है, जिनके द्वारा यहाँ पर इनके ऊपर काम करने की बात की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, आइडिया आप लोग रखते हैं, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, यहाँ पर इंडसलैंड बैंक की साथ में यह है यहाँ पर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है ना, तो दोनों मिलकर यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर काम करने वाले हैं, और ट्रिब्यूनल के द्वारा अप्रूव कर दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा भी यहाँ पर लास्ट ईयर अप्रूवल मिल चुका था। तो देखते हैं आगे कैसे काम किया जाएगा, 2-4 वीक के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके साथ में ये है भारत फाइनेंशियल, ये एक तरीके से सब्सिडरी बन जाएगी यहाँ पर प्राइवेट लेंडर के तरीके से, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ये आगे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है मर्जर के बारे में। आइए आगे बात करते हैं, ये है बाई यू कॉइन।
तो ये जो बायूकॉइन है यहाँ पर एक तरीके की वन ऑफ ओल्डेस्ट कंट्री कंपनी है जो कि हमारी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी में काम करती है। तो जो क्रिप्टो करेंसी में काम करती है, खासकर अगर क्रिप्टो करेंसी का आप लोगों को उदाहरण दिया जाए तो बिटकॉइन आप लोग बोल सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर ये जो कंपनी है इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू और यूनिक प्लेटफॉर्म होलसेल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का। तो फायदा क्या होगा, एक तो लिक्विडिटी बढ़ेगी हमारी कंट्री में भी क्रिप्टो करेंसी की, ताकि उसको यूज किया जा सके और आगे आने वाले टाइम में एक ऐसा माहौल बन सके कि हाँ काफी फैमिलियर हैं लोग इसकी वजह से। ये जो प्लेटफॉर्म है ये फ्री ट्रेडिंग मॉडल यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, जीरो चार्ज लेता है ट्रेड करने के लिए कोई भी आकर अगर ट्रेड करता है। तो होलसेल जो प्लेटफॉर्म है इसको बोला जाता है ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर। तो ये एक तरीके से जो काम करता है ये काफी फ्लुएंट वे में काम करता है और काफी पुराने यहाँ पर एक तरीका प्लेटफॉर्म है। हेल्प करेगा क्रिप्टो करेंसी का इंडियन मार्केट में अवेलेबिलिटी होना और लिक्विडिटी होना। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर करेंसी का अवेलेबल होना पर्टिकुलर मार्केट में। तो इसको बोलते हैं आरबीआई क्या करता है, आरबीआई लिक्विडिटी कंट्रोल करने का काफी हद तक काम करता है हमारी मार्केट में कि कितना पैसा रहना चाहिए और कब यहाँ पर पैसा कम होना चाहिए। तो इसकी वजह से काफी जो ये रेट वगैरह है आरबीआई के द्वारा चेंज किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आप लोग आइडिया रखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए 2016 में हमारी कंट्री में एक पॉलिसी बनाई, एक कमेटी बनाई गई जिसको बोलते थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसको आप लोग एमपीसी बोलते हैं, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है हमारी कंट्री में। इसका टारगेट है 4 ± 2 के कंट्रोल में इसको इन्फ्लेशन रखना है और ये उस काम को करने में काफी अच्छी सक्सेसफुल भी रही है। अभी फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया है कि फर्स्ट सेंट्रल बैंक है एशिया पैसिफिक रीजन में जिसके द्वारा जो फूड इन्फ्लेशन है और जो ग्लोबल खासकर फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ईज करने में काफी हेल्प मिली। इसके द्वारा अभी रिसेंटली कट किया गया सेकेंड टाइम भी यहाँ पर जो रेपो रेट है और उसकी हेल्प से कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा इकोनॉमी पर काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि देखने वाली बात है, अच्छा ही पड़ सकता है बुरा पड़ सकता है, पर लेकिन कंडीशन क्या है। तो आज की डेट में जो गवर्नर है यहाँ पर यह शक्तिकांत दास, तो ये गवर्नर है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड करते हैं। और मैंने बताया था कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बोला गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, अब ये आरबीआई के गवर्नर करते हैं। टोटल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं और 3 होते हैं आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जो कि ये डिसाइड करती है कि हमारी कंट्री में महंगाई कितनी रहनी है, जिसको आप लोग इन्फ्लेशन बोल देते हैं अंग्रेजी टर्म में। ठीक है, ये आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए हैं। मिशन आईएएस और ज्योति प्रकाश का नाम है यहाँ पर, आप लोगों का भी नाम हो सकता है। अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए, काफी अच्छा लगता है जब आंसर देखता हूँ, डिटेल में आप लोग आंसर देते हैं। हेनरी डोनेंट के बारे में बात की गई थी, 1828 की अगर बात की जाए और इससे लेकर 1910 तक, ये पर्सनैलिटी इनके द्वारा काफी कुछ वर्ल्ड को दिया गया। रेड क्रॉस जिसके बारे में आप लोग बात करते हैं, जो कि खासकर फोकस देता है अगर गलत कुछ भी वर्ल्ड में हो रहा है वहां पर कैसे अगर बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं कैसे उनकी जान बचाई जाए, तो इसके द्वारा रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई। 1864 के जो जनेवा कन्वेंशन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं का आइडिया था जिससे निकालकर इसको लाया गया। फाउंडर रेड क्रॉस के हैं, 1863 में इनके द्वारा फाउंड की गई और उसी के बेस पर आगे चलकर 1901 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वर्ल्ड का पहला नोबेल पीस प्राइज था जो कि यहाँ पर फ्रेडरिक पैसी के साथ में इनको मिलकर दिया गया। ये पर्सनैलिटी कौन थे, ये एक फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट थे जिनके साथ में मिलकर यहाँ पर ये इनको अवार्ड दिया गया। तो इनके बारे में आप लोग याद रखेगा थोड़ा सा, क्योंकि जनेवा कन्वेंशन काफी न्यूज में थे, मैंने जिनके बारे में आप लोगों को बताया भी था, वीडियो बनाई थी। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर वीडियो कैसे मिलेगी, जनेवा कन्वेंशन भाई वीर लिखकर सर्च कीजिएगा, डिटेल में डिस्कस किया गया है, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर। ओके आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में। एस्ट्रॉइड बेल्ट अगर सोलर सिस्टम में आप लोग देखेंगे जाकर, तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है वो आप लोगों को एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलेगी, काफी न्यूज में रहती है कई बार और एवरग्रीन यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ओके, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात करें, 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया, ये इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ में मिलकर, और हमारी कंट्री को 2 ये अवार्ड मिले। ये है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला के अंदर, इसको भी ये दिया गया। रीजन क्या है, ये कंप्लीटली एयरपोर्ट सोलर सिस्टम के ऊपर चला जाता है, इसलिए यहाँ पर ये इसको अवार्ड देखने को मिला। इसके ऊपर भी एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी, ये अवार्ड कहाँ से निकल कर आया, क्या क्या इसके बारे में बात की जा रही है, डिटेल में डिस्कस किया था कितनी कैटेगरी में ये दिया जाता है। अगर आप लोग आइडिया नहीं है तो वो भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, खासकर अगर देखा जाए तो। आइए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। आगे जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। फर्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये बिजनेस क्रोस्पोंडेंस के बारे में बात की जा रही है। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोकल एरिया पर
अगर कोई काम किया जाना है वो बीसी करते हैं, यानी कि बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पर ये एक तरीके से कई सारी सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अगर बात की जाए लोअर लेवल पर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम करना है, जिस तरीके से वो सारे काम करने हैं वो सारा काम इनके द्वारा किया जाता है, पर लेकिन आज की डेट में इनको कोई फायदा ज़्यादा हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहे हैं। सिस्टम जो स्टार्ट किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2006 में ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था, ताकि जो बैंकिंग सिस्टम है और फाइनेंशियल सर्विस है वो ग्राउंड लेवल पर खासकर गांव में भी और जो दूर दराज के एरिया हैं वहां पर भी इनको प्रोवाइड कराया जा सके विद द हेल्प ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। एक तरीके बिचौलिया आप लोग इनको बोल सकते हैं, एजेंट होते हैं जो कि लोकल एरिया में किसी पर्टिकुलर बैंक की कहां पर ब्रांच खुल रही है, कहां पर एटीएम लगना है, उसकी वो सारी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, पर्टिकुलर एरिया को जाकर आइडेंटिफाई करते हैं, तो पूरा काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है लोकल एरिया में जाकर। तो इसीलिए यहां पर अभी जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, सारी सर्विसेज जो है मैक्सिमम ये प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या काम ग्राउंड लेवल पर जाकर करना है, एप्लीकेशन क्या है, आइडेंटिफाई करना है, जो भी काम होना है सारा काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। पर लेकिन आज की डेट में जो फी है वो डिक्रीज कर दी गई है, उसकी वजह से इनका काम चल नहीं पा रहा है और ये अपना जो काम है उसको कंटिन्यू रखने में काफी प्रॉब्लम यहां पर फेस कर रहे हैं। कुछ ऐसा मॉडल आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं जो कि यहां पर काम किया जाता है इसके द्वारा, यानी कि कहां कहां पर बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, कैसे कैसे बेटर लोन परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लोन के बारे में क्या क्या बात है, अल्टरनेटिव अगर कोई बैंक ब्रांच खोलनी है कैसे और ज्यादा अनरीच यानी कि गांव के लोगों तक पहुंचना है, खासकर क्विक एक्सपेंशन कैसे करना है, यानी कि कैसे ज्यादा लार्ज स्केल पर बढ़ा जा सकता है, तो ये सारा काम बहुत लार्ज स्केल पर किया जाता है बिजनेस कोरेस्पोंडेंस की हेल्प से, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एक राज्य के बारे में, और राज्य से भी जो न्यूज निकल कर आ रही है यह है यूनियन टेरिटरी से, जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि काफी बड़ी बात बोल सकते हैं आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, हमारी कंट्री में टोटल 7 यूनियन टेरिटरी है, 7 यूनियन टेरिटरी में से एक लौती यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जिसके पास में खुद का हाई कोर्ट है। यहां पर जो स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो यहां पर काफी पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, और इसी के साथ में बोला जा रहा है काफी जज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी है, लगभग 43 जो जज यहां पर होनी चाहिए, जो करंट स्ट्रेंथ है ये 143 है। अगर यहां पर केस क्लियर करने हैं तो और ज्यादा यहां पर जज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी विद इन ए ईयर केस को यहां पर एक तरीके से सुनाकर कंप्लीट किया जा सके, तो उसी के ऊपर यहां पर बात की जा रही है। देखिए होता क्या है, कभी तो जज नहीं आ रहा है, कभी कोई वकील नहीं आ रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी ऐसे ऐसे भी केस होते हैं जहां पर अगर टाइपिस्ट नहीं आ रहा है, कोई टाइप करने वाला नहीं आ रहा है, उसकी वजह से भी यहां पर केस को पोस्टपोन किया जाता है, तो ये काफी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और ये माना जा रहा है एक एस्टिमेशन जो लगाया गया है, हमारी कंट्री की 1.5% जो जीडीपी एक तरीके से जीडीपी है उसके बराबर यहां पर कॉस्ट यहां पर पड़ती है अगर जुडिशरी में डिले किया जाता है, यानी कि अगर हम लोग जो बोलते हैं ना कि जस्टिस इज डिले, जस्टिस इज डिनाई, इसका मतलब यही है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री की 1.5% लगभग जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इतना लगभग उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कई बार एडजन हो जाते हैं अननेसेसरी रीजन की वजह से, कभी कोई नहीं आ रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है, तो वो सारी रीजन है। आप तो इन सबको खत्म कर जीरो पेंडेंसी कोर्ट के प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, अच्छी बात है, देखते हैं कितना इंप्लीमेंट किया जाता है और कितना रिजल्ट निकल कर आता है, और फिर अगर ढंग से काम होता है तो दूसरे राज्य जो है, दूसरे जो हाई कोर्ट है वो कैसे सीख के इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में, तो यहाँ पर जो न्यूज आ रही है ये आ रही है निकलकर INS रंजीत के बारे में, ये एक शिप था हमारी कंट्री का जो कि अभी डीकमीशन कर दिया गया, काफी लंबे समय से सर्विस इसके द्वारा प्रोवाइड कराई गई है, कमीशन किया गया था इसको 1983 में, USSR उस टाइम पर रशिया हुआ करता था जिसके द्वारा ये प्रोवाइड कराया गया था, और लगभग 36 ईयर तक इसने काफी लार्ज स्केल तक अच्छे से शानदार तरीके से अपनी सर्विस प्रोवाइड कराई। माना जा रहा है ये डेज यहाँ पर दे रखे, इतने दिन तक इसने काम किया, लगभग इतने न्यूटिकल माइलेज चला, ये आप लोगों से कोई नहीं पूछ रहा है, अच्छी बात यहाँ पर जो है काफी लार्ज स्केल पर इसके द्वारा काम किया गया, अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए, नेवल ऑपरेशन के साथ में कई सारे ऑपरेशन इसके अलावा और भी चलाए गए, खासकर मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर, ओपे तलवार यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर सुनामी, हुदहुद, जो ये सारे ऑपरेशन में इसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, और इसी के साथ में इसको यहाँ पर जो अवार्ड दिया गया ये नेशन द शिप वॉज अवार्डेड यहाँ पर यूनिट साइटेशन बाई चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के द्वारा 2003-04 और 2009-10, तो ये भी काफी एक गर्व की बात इसके लिए आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ अवार्ड भी यहाँ पर इसको मिला है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में याद रखते हैं, डी कमीशन इसको अभी कर दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, डी कमीशन का मतलब ये होता है कि अब ये काम नहीं करेगा, यानी कि सर्विस से अब ये हट गया है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्पल फॉग यानी कि इस तरीके मेंढक के बारे में, देखने के लिए मेंढक है, पर लेकिन ये मेंढक देखने के में थोड़ा अटपटा लग रहा है, पर लेकिन ये मेंढक ही है। यहाँ पर केरला के अंदर हो सकते हैं आने वाले टाइम में ये स्टेट एम्फीबियन
की कैटेगरी में यहाँ पर इसको दर्जा दिया जा सके। काफी फर्जाइल हैबिटेट की वजह से काफी ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि IUCN के तहत यहाँ पर इसको इनडेंजर्ड लिस्ट की कैटेगरी में इसको डाला गया है। अगर बात करें पर्पल फ्रॉग के नाम से पकड़ा जाता है इसको, इसके अलावा मावली फ्रॉग के नाम से, और पिग नॉइस यानी कि सूर के जैसी, यानी कि जो सुअर होता है उसके जैसी जो नॉइस है उसके वजह से भी इसको इसके नाम से पुकारा जाता है। तो ये कई सारे इसके नाम है जो कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए अगर कोई पूछ ले तो। और इसका साइंटिफिक नेम भी है थोड़ा अटपटा है, हालांकि यहाँ पर यह नासिक बत्रचेस सहयाद रिएशस, ठीक है। तो ये इसका हल्का सा आप लोग आइडिया रख सकते हैं, NS या फिर नासी या फिर नासी साया, हल्का सा कुछ भी आप लोग आइडिया लगा के, बाद में सीस है आप लोगों को बस आइडेंटिफाई करना है क्योंकि ऑप्शन होंगे वहां पर आप लोग के एग्जाम में, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसा आप लोग कुछ भी ऐसा तिकड़मबाजी लगा ले कीजिए ताकि आप लोग ऑप्शन को आराम से यहाँ पर फाइंड कर सके, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसके बारे में ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को बताना चाहिए। और केरला के अंदर ये काफी न्यूज में है क्योंकि स्टेट के अंदर इसको स्टेट एम्फीबियन की कैटेगरी में इसको देने की बात की जा रही है ताकि इसको सेव किया जा सके और इसके ऊपर फोकस दिया जा सके कि हाँ इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना है, ठीक है। तो ये अच्छी बात होती है इस तरीके से। तो देखते हैं क्या आगे होता है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अवार्ड और ओनर के बारे में। तो ये काफी इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज है, लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन, एक गर्ल है यहाँ पर, ये गर्ल है यहाँ पर नेपाल की, जिसके द्वारा यहाँ पर काफी लंबे समय तक लगभग 126 घंटे 5 दिन में इसके द्वारा डांस किया गया बंदी के द्वारा। ये आप लोगों के सामने यहाँ पर पिक्चर है, नाम है इसका बांदाना, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करी जाए 24 घंटे एक दिन में होते तो 5 दिन में लगभग 120 घंटे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो 120 घंटे से भी ज्यादा है, 5 दिनों से भी ज्यादा है कंटिन्यूस इसके द्वारा डांस किया गया है। जो पहले रिकॉर्ड था यहाँ पर ये था 123 घंटे 15 मिनट 2011 का रिकॉर्ड था ये। अब जो रिकॉर्ड हो गया यहाँ पर ये हो गया 126 घंटे। तो ये पहले जो रिकॉर्ड था यहाँ पर ये इंडिया के नाम था, इनका भी नाम आप लोगों को याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका नाम था यहाँ पर कलामंडलम हेमलता, हेमलता के नाम से आप लोग याद रखते हैं। तो इनके नाम था पहले यहाँ पर रिकॉर्ड, अब जो रिकॉर्ड हो गया वो इनके नाम हो गया, जो कि नेपाल की एक डांसर है। पर लेकिन अगर हेमलता जी की बात करें उनकी जो एज थी वो काफी ज्यादा थी 37, और इनकी एज जो है यहाँ पर ये है 18 साल। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। बात की जाए यहाँ पर 1933 से लेके 2000 तक की अगर बात की जाए तो जो गिनीज बुक के बारे में हम लोग बात करते हैं इसको बोला जाता था द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, अब इसको बोला जा रहा है यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो इसका नाम आज के डेट में चेंज कर दिया गया है। जो ऐसे रिकॉर्ड बनाए जाते हैं जो कि पहले किसी ने कभी नहीं किया और इतना लार्ज स्केल पर कोई ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोई काम कर दिया तो वो यहाँ पर एनुअली पब्लिश इसके अंदर किया जाता है, इस किताब के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर स्पेस के बारे में, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की बात की जा रही है। स्पेस एक्स जो कि इलोन मस्क से कनेक्टेड है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। ये यहाँ पर नासा से जो यहाँ पर कार्गो मिशन है नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, उस पर यहाँ पर ये पहुंचा है और स्पेस एक्स के द्वारा ये पांचवा लॉन्च है इस साल के अंदर। इसके बाद में बात की जा रही है ये पहले रीशेड्यूल किया गया क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गई थी, और फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसके द्वारा यहाँ पर ये छोड़ा गया कहां से, फ्लोरिडा से, और फर्स्ट टाइम यहां पर इसको यूज किया गया। इसका जो वेट है लगभग ये बोला जा रहा है 1900 किलोग्राम के करीब है, और लगभग जो यहां पर ये रहने वाला है 4 वीक तक रहने वाला है, उसके बाद में रिटर्न बैक टू द अर्थ ये आ जाएगा। आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है, ये एक तरीके का स्पेस में एक प्लेटफॉर्म आप लोग बोल सकते हैं जहां पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं, बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी या फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी या कोई भी ऐसी चीजें जो कि किस तरीके से हम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ रहस्यमय चीजें, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पता होगा तो उसी के बारे में यहाँ पर रिसर्च एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ये जो ऑर्बिट यहाँ पर देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम 1998 में यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये लियो यहाँ पर जो कि यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट में आप लोगों को नॉर्मली ये देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम 2000 किलोमीटर के नीचे रेंज यहाँ पर इनकी नजर आती है, जिससे रिलेटेड मैंने आप लोग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कराया था, आई थिंक आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने लेक्चर सुना है तो, क्योंकि उस टाइम पर लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, गेम के बारे में बात करते हैं। रोजर फेडरर की बात यहाँ पर की जा रही है, ये तीसरी रैंक पर आ गए हैं बैक टू द ATP मेंस अगर रैंकिंग की आप लोग बात करते हैं तो। अलेक्जेंडर ज्वेरिक की बात की जाए तो उनके बाद में अगर देखा जाए यहाँ पर अगर तो उनको रिप्लेस इनके द्वारा किया गया है। नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल है वो टॉप पोजिशन पर है। इसी के साथ में अगर बात की जाए जापान के बारे में, नाओमी ओसाका ये रिमेन है टॉप रैंकिंग पे यहाँ पर, ये अगर वुमेन की कैटेगरी में आप लोग बात करते हैं तो ये कुछ आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं एक नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क है यहाँ पर सलीम अली नेशनल पार्क 1986 में इसको नोटिफाई किया गया था। ये इंडियन ऑर्थोनोलॉजिस्ट यानी कि जो चिड़ियाओं के ऊपर विशेषज्ञ है उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। सलीम अली नेशनल पार्क या फिर सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये देखने को मिलता है। काफी कुछ इंटरेस्टिंग पक्षी आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, ये हिमालयन मोनल, ये इस तरह का पक्षी भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ये आप लोग के सामने लोकेशन है।
बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। तो ये है पॉलिटिकल लेक्चर आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है। ये बात की जा रही है बजट हमारे संविधान में, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को किस नाम से पुकारा जाता है, पहली बात, कौन सा आर्टिकल यहां पर इसके बारे में बात करते हैं, दूसरी बात, फाइनेंशियल ईयर हमारी कंट्री में कब से स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है ये बताना है, रेलवे बजट हमारी कंट्री में अंग्रेजों के टाइम पर 1921 में ये स्टार्ट किया गया था, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट नाम की कोई चीज होनी चाहिए, तो ये आप लोगों को बताना है। ये थे टोटल क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल हैं। आइए अब देखते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों का क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बसवा जयंती के बारे में जाना, क्विज और उसका आंसर हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के बारे में। इसी के साथ में हम लोगों ने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन की बात की, खासकर 1971 के ऊपर एक मूवी बनाने जा रहे हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो न्यूज थी वो जानी हम लोगों ने। ये यहाँ पर हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की। इसके अलावा हमारी कंट्री में आरबीआई क्या रोल प्ले कर रहा है, खासकर उसके बारे में जाना। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात देखने को मिली, ये बात देखने को मिली जो यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के द्वारा शानदार तरीके से दिए गए। इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोगों को करते रहना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के बारे में हम लोगों को जानने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर जीरो पेंडेंसी कोर्ट केस की बात की गई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, वो जाना। INS रणजीत के बारे में हम लोगों को जानने को मिला। इसी के साथ में आप लोगों को पर्पल फ्रॉग के बारे में जानने को, यानी कि जो मेंढक है पर्पल कलर का, उसके बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लॉन्गेस्ट डांसिंग कॉम्पिटिशन के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा बात की जा रही है यहाँ पर ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के बारे में। अच्छा, स्पेस एक्स जो है यहाँ पर, ये कब यहाँ पर स्टार्ट की गई थी इलॉन मस्क के द्वारा। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पर, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने अपने बलबूते पर कहां से उठकर कहां पहुंच गया, ये एक इंस्पिरेशन फिगर आप लोग इनको बोल सकते हैं। रोजर फेरेडर की बात की गई तो इनकी रैंकिंग यहाँ पर सुधरती हुई नजर आ रही है। ये था नेशनल पार्क और ये था पॉलिटिकल रिवीजन। आइए नजर डालते हैं आज का आप लोगों का क्विज। ये बात की जा रही है मिसाइल डिस्ट्रॉयर के बारे में, जो कि रिसेंटली अभी डी कमीशन किया गया, नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडियन पर्सनैलिटी को जिनको रीइलेक्ट किया गया है INCB में, ये आप लोगों को बताना है। INCB में टोटल 13 मेंबर है, स्टेब्लिश कब इसको किया गया था ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके द्वारा रिपोर्ट की गई कि RBI जो है शानदार तरीके से एक तरीके से खासकर काफी अच्छे लेवल पर काम कर रहा है फाइनेंशियल सर्विस की। सॉरी, यहाँ पर आप लोगों को बताना है हमारी कंट्री में RBI के द्वारा कब कनेक्ट किया गया था बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, ये आप लोगों को बताना है। जीरो पेंडेंसी केस की बात करें तो ये किसके द्वारा बोला गया है। अब यहाँ पर बताना है कौन सी एजेंसी के द्वारा बताया गया कि हमारा जो RBI है वो फूड इन्फ्लेशन और खासकर ग्लोबल फाइनेंशियल जो ये कंडीशन है उसको भी ईज करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। सलीम अली नेशनल पार्क या फिर सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क हमारी कंट्री में कहाँ देखने को मिलता है। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आता तो लाइक करना मत भूलिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। और जो भी आज की डेट में खासकर फास्ट रख रहे हैं रमजान से रिलेटेड, अपना ध्यान रखिए। देखिए जितना ज्यादा रखा जा सकता है, क्योंकि अगर बीमार इस कंडीशन में हो गए तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी और एग्जाम भी आप लोग आ रहा है। तो जितना ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, खासकर गर्मी से जितना बच सकते हैं बचिए। और ये आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, तो बाकी लगे रहिए, जितना ज्यादा हो सके अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।